एक ये भी कहा जाता है कि आप जना बजट वो होता है आपका आर्मी का, और कोई कहता है 75% है, कोई कहता है 80% है, कोई कहता है 85% है। एक्चुअली बजट है कितना पाकिस्तान आर्मी का? देखिए ये जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो दो किस्म के लोग हैं ना, एक तो या उसको पता ही नहीं है और वो इग्नोरेंस से बोल रहे हैं, या उसको पता है और झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान के बजट में रिकॉर्डेड है ना, ये चीजें रिकॉर्डेड है, ये कोई ऐसे हवा में तो नहीं होती है, 17.7% है डिफेंस बजट, 17.7%। इसमें से फिर अपनी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें से 47% तकरीबन फौज का आर्मी का है और बाकी एयरफोर्स और नेवी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये इज लेड बाय द लैंड आर्मी, इसलिए यहां पर ज्यादातर फौज सिक्स लार्जेस्ट आर्मी है नंबर्स के अंदर दुनिया में, तो इसलिए यहां पर ज्यादा परसेंटेज आते हैं नजर आते हैं आपको, लेकिन वो इंटरनल एक चीज है। इसके अंदर जो सा है ये जो 17.6 है, इसको आप देख लें, दिस इज द चीपेस्ट आर्मी इन द रीजन इन वन ऑफ द वर्ल्ड। इसका इन जो कैपिटा जो है वो 26th है पाकिस्तान आर्मी का। अच्छा, वो इजरायली आर्मी को 2000 रुपीज पर कैपिटा है, दैट इज पर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पॉपुलेशन पर हेड, पाकिस्तान का $22 है। अच्छा, वेर इज 2000, वेर इज $22। अब इस पर कैपिटा, पर कैपिटा, लेकिन अगर आप पर सोल्जर की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी स्पेंड समथिंग लाइक 42,000 रुपीज पर सोल्जर उनका एक्सपेंडिचर है पर मंथ, पर मंथ ओके 42,000। पाकिस्तान आर्मी का 12,500 है। अच्छा, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वैसी कहना कि जी खा गए हैं तो ये कर गए वो कर गए, तो गलत बात है। दूसरी बात ये, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं ये वो वाला बजट का हिस्सा है जो कि फौज को सस्टेन करती है, मिलिट्री को, ये जंग लड़ने का नहीं है। जंग लड़ने का अलहदा है, वो एक अलहदा एक चीज है, ठीक है ना, वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ वॉर जो उनसे वो अलहदा कैलकुलेट होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भी एक इल्जाम लगता है आप पे कि आप